हेलो फ्रेंड्स ई लर्निंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.1। सो प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जान लेते हैं। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी एस यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ये दो भाग में डिवाइड होता है एक होता है सी जी एंड दूसरा होता है एस जी एस यहाँ पे सी जी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड एस जी एस का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ सी जी एस टी बराबर होता है एस जी एस टी के और ये दोनों बराबर होते हैं हाफ जी एस टी के सो प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट वन में अमाउंट ऑफ जी एस टी फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करना है अमाउंट ऑफ जी एस टी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ जी एस टी इन टैक्सीबल वैल्यू इन टू फाइंड टोटल अमाउंट और टैक्सीबल वैल्यू फार्मूला यूज करना है टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सीबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जी एस टी सोच लिए इन फार्मूले के बेस पर सॉल्व करते प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जी एस टी इज ट्वेल्व परसेंट देन वाट इज़ द रेट ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी सो इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ़ जी एस टी की वन है ट्वेल्व परसेंट इन रेट ऑफ़ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी हमें फाइंड करना है तो चले सोल्यूशन देखते हैं सो यहाँ पे रेट ऑफ जी एस टी है ट्वेल्व परसेंट देर फोर रेट ऑफ सी जी एस टी होगा इज इक्वल टू हाफ इंटू रेट ऑफ जी एस टी देर फोर ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू इंटू ट्वेल्व परसेंट टू से ट्वेल्व या सिक्स टाइम्स में कट जाएगा देयर फोर रेट ऑफ सी जी एस टी मिलेगा इक्वल टू सिक्स परसेंट नाउ यू नो दैट सी जी एस टी इज इक्वल टू एस जी एस टी देर फोर रेट ऑफ एस जी एस टी इज ऑल्सो इक्वल टू सिक्स परसेंट क्वेश्चन नंबर टू अनसर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज नाइन परसेंट देन वाट इज द रेट ऑफ एच जी एस टी एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ जीएसटी सो यहाँ पे हमें आर्टिकल का रेट ऑफ सीजीएसटी जी है नाइन परसेंट एंड रेट ऑफ़ एसजीएसटी एंड जीएसटी हमें फाइंड करना है तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं सो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी एस है नाइन परसेंट सो हमें पता है रेट ऑफ़ सी ये बराबर है रेट ऑफ़ एस के देर रेट ऑफ एस ये भी होगा इक्वल टू नाइन परसेंट देर फोर रेट ऑफ जीएसटी होगा इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी सो यहाँ पे सीजीएसटी है नाइन परसेंट एंड एसजीएसटी है नाइन परसेंट so, सो यहाँ मिलेगा इक्वल टू एटीन परसेंट देर फोर रेट ऑफ जीएसटी मिलेगा इक्वल टू एटीन परसेंट क्वेश्चन नंबर थ्री मिस रियल पेंट सोल्ड टू टीन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इच्स टीन इज रुपीज़ टू थाउजेंड एट हंड्रेड इफ़ द रेट ऑफ जी एस टी इज ट्वेंटी एट परसेंट देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सी जी एस टी एंड एच जी एस टी चार्ज इन द टैक्स इनवाइस सो इस क्वेश्चन में हमें एक टीम की टैक्सीबल वैल्यू गिवन है टू थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ इन रेट ऑफ़ जी एस टी एट ट्वेंटी एट परसेंट और अमाउंट ऑफ सी जी एस टी एंड एच जी एस टी यह हमें फाइंड करना है तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं सो टैक्सीबल वैल्यू ऑफ वन टीन इज इक्वल टू रुपीज़ टू थाउजेंड एट हंड्रेड ये गिवन है बट यहाँ पे मिस रियल पेंट ने लश्चर पेंट के दो टीन्स बेचे देर फोर टैक्सीबल अमाउंट फॉर टू टीन्स होगा इक्वल टू टू थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू टू देर फोर ये हो जाएगा इक्वल टू रुपीस फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड द रेट ऑफ जी एस टी गिवन है ट्वेंटी एट परसेंट देर फोर रेट ऑफ सी जी एस टी होगा इक्वल टू हाफ रेट ऑफ़ जी एस टी सो यहाँ पे रेट ऑफ़ जी एस टी है ट्वेंटी एट परसेंट सो ये हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉइंट टू इंटू ट्वेंटी एट परसेंट इस टू से ट्वेंटी एट ये फोर्टीन टाइम में कट जाएगा देर फोर रेट ऑफ़ सी जी एस टी मिलेगा इक्वल टू फोर्टीन परसेंट नाव हमें पता है सी जी एस टी बराबर है एस जी एस टी के देर फोर रेट ऑफ़ एस जी एस टी ये भी होगा इक्वल टू फोरटीन परसेंट बट हमें यह फाइन करना है अमाउंट ऑफ़ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी देर फोर अमाउंट ऑफ सी जी एस टी निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे द अमाउंट ऑफ सी जी एस टी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ़ सी जी एस टी इन टू टैक्सीबल अमाउंट सो यहाँ पे रेट ऑफ सी जी एस टी है फोरटीन परसेंट इंटू टैक्सीबल अमाउंट है फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ देर फोर ये हो जाएगा इक्वल टू फोर्टीन अपन हंड्रेड इंटू फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो यहाँ पे ये टू ज़ीरो टू जीरो कैंसल हो जाएंगे और यह बचेगा इक्वल टू फोरटीन इंटू फिफ्टी सिक्स देर फोर द अमाउंट ऑफ़ सी मिलेगा इक्वल टू रुपीज़ सेवन हंड्रेड एटी फोर यू नो दैट सी जी एस टी इज इक्वल टू एच जी एस टी हमें पता है सी जी एस टी बराबर है एच जी एस टी के देर फोर द अमाउंट ऑफ़ एच जी एस टी इज़ ऑल्सो इक्वल टू सेवन एटी फोर देर फोर या अमाउंट ऑफ सी जी एस टी है रुपीज सेवन एटी फोर एंड द अमाउंट ऑफ एस जी एस टी है रुपीज सेवन एटी फोर क्वेश्चन नंबर फोर द टैक्सीबल वैल्यू ऑफ अश्वॉज बेल्ट इज रुप फाइव एटी सिक्स रेट ऑफ जी एस टी इज एटीन परसेंट देन वॉट इज प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर सो इस क्वेश्चन में विश्वास बेल्ट की टैक्सीबल वैल्यू किन है रुपीज फाइव एटी सिक्स इन रेट ऑफ़ जीएसटी एस एटीन परसेंट देन हमें फ़ाइंड करना है प्राइस ऑफ द बिल फॉर द कस्टमर यानी कि हमें यह बिल की टोटल प्राइस विद द जीएसटी ये फाइंड करना है तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ऑफ बिल इज गिवन इज इक्वल टू रुपीज फाइव एटी सिक्स इन द रेट ऑफ जी गिवन है एटीन परसेंट अमाउंट ऑफ जी हम निकाल सकते हैं सो अमाउंट ऑफ़ जीएसटी निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे जीएसटी ऑन द बेल्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल टैक्सीबल वैल्यू सो यहाँ पे रेट ऑफ़ जीएसटी 18% इनटू एटीन परसेंट टैक्सीबल वैल्यू है रुपीज़ फाइव एटी सिक्स देर फोर हो जाएगा एटीन अपॉन हंड्रेड इंटू फाइव एटी सिक्स हंड्रेड से फाइव एटी सिक्स को डिवाइड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा फाइव पॉइंट एटी सिक्स देर फोर इज टू एटीन इंटू फाइव पॉइंट एटी सिक्स इन दोनों का मल्टीप्लेशन करते तो यहाँ मिलेगा जी एस टी ऑन द बेल्ट इज इक्वल टू वन ज़ीरो फाइव पॉइंट फोर्टी एट फोर टोटल अमाउंट होगा इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जी एस टी सो यहाँ पे टैक्सीबल वैल्यू है फाइव एटी सिक्स प्लस जी एस टी है वन ज़ीरो फाइव पॉइंट फोर्टी एट सो इन दोनों का सम करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू सिक्स हंड्रेड नाइन्टी वन पॉइंट फोर्टी एट सो so, यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या है टोटल अमाउंट यानी के प्राइस ऑफ़ द बेल्ट विद द जी एस टी देर फोर द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज रुपीज़ सिक्स नाइन्टी वन पॉइंट फोर्टी एट रुपीज़ यानी के कस्टमर को ये बेल्ट रुपीज़ सिक्स नाइन्टी वन पॉइंट फोर्टी एट प्राइस की पड़ेगी सो so, फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट के रिमेनिंग प्रॉब्लम हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद